उत्तर प्रदेश की परिधि में कानून व्यवस्था और बुलडोजर को बीजेपी और सीएम योगी ने ऐसा ब्रांड बनाया है कि बड़े बड़े बदमाशों के हौसले ध्वस्त हो गए हैं। वहीं फरुखाबाद में पेड़ पर लटकी मिली दो लड़कियों की लाश, बरेली में गैंगरेप और दूसरी घटनाओं को लेकर सरकार और विपक्ष में घनघोर घमासान मचा है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव लगातार सरकार को घेर रहे हैं। हाथरस के जरिए फरुखाबाद की घटना को लेकर अखिलेश यादव ने लिखा कि फरुखाबाद में दो बालिकाओं की संदिग्ध मौत के मामले में भाजपा सरकार की चुप्पी विचलित करने वाली है। शायद इसकी दोहरी वजह है, एक तो भाजपा का स्त्री विरोधी कुविचार व रवैया और दूसरा उनका दलित होना। एक और तंज में अखिलेश यादव ने लिखा कि यह सवाल हाथरस से लेकर फरुखाबाद तक भाजपा के कुशासन का पीछा नहीं छोड़ेगा। वहीं सीएम योगी ने सपा के वार पर पलटवार करते हुए कहा कि सपा तो दंगों वाली पार्टी है। समाजवादी पार्टी प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करने की अपनी कुत्सित मंशा से आज भी वह कहीं भी जब भी उसको मौका मिलता है उस अवसर को वह जाया नहीं होने देती है। आपने भी इसके चरित्र को देखा है अयोध्या के अंदर कैसे समाजवादी पार्टी का एक नेता वहां पर एक निषाद बेटी के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है और समाजवादी पार्टी के मुखिया बेशर्मी के साथ उस बेशर्म के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उसका समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे थे। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। फरुखाबाद की घटना को लेकर कांग्रेस ने भी पुलिस के इकबाल और सरकार के बुलडोजर पर सवाल उठा दिए। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक सभी ने सोशल मीडिया पर सरकार को घेरा। राहुल गांधी का आरोप है कि इनसे न्याय की उम्मीद बेमानी है, तो प्रियंका गांधी ने फरुखाबाद को हाथरस और उन्नाव से जोड़ दिया। सूबे में एक के बाद एक कई घटनाओं ने विपक्ष को बैठे बिठाए मौका दे दिया, तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी मोर्चा संभाल लिया। मायावती ने देश प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा का सवाल उठा दिया। देश में कभी बंगाल, कभी महाराष्ट्र के बदलापुर, कभी बिहार में, तो कभी यूपी के कन्नौज, आगरा व फरुखाबाद जिले आदि में भी मासूम बच्चियों, नाबालिग व महिलाओं पर खासकर रेप, हत्या व आत्महत्या आदि की हो रही घटनाएं अति दुखद और चिंताजनक है। विपक्ष ने कानून व्यवस्था को लेकर सामूहिक रूप से सरकार पर प्रहार किया, तो सीएम योगी ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए जिन्ना की आत्मा का जिक्र कर दिया। कन्नौज में जो कुछ हुआ ये सब घटनाएं ये बताती हैं कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनके अंदर बहनों और भाइयों, इनके अंदर लगता है जिन्ना की आत्मा घुस गई है और जिन्ना की आत्मा घुस करके फिर से जिन्ना ने देश का विभाजन करने का पाप किया था, ये लोग वही पाप आज ये लोग कर रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं। बहरहाल ये सच है कि प्रदेश की परिधि में कड़ी कानून व्यवस्था की बिसात पर बुलडोजर का भी बड़ा रोल रहा है, लेकिन बीते दिनों से कई शहरों में घटी घटनाओं पर सवालों का शोर सियासी गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक सुनाई दे रहा है। ऐसे में सवाल यही कि विपक्ष उठा रहा सवाल, कहां है पुलिस का इकबाल? सवाल ये भी कि लॉ एंड ऑर्डर की लड़ाई जिन्ना पर क्यों आई?